पांचवें टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास, इंग्लैंड के सामने खड़ा किया एक विशाल स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला अब निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है, जहां पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आज का किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है। आज चौथे दिन का पूरा खेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी ऋषभ पंत को शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पांचवें टेस्ट मुकाबले का चौथे दिन का खेल खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की। आज चौथे दिन की हम बात करें तो टीम इंडिया ने अपना स्कोर 125 रनों से आगे बढ़ाना शुरू किया। भारतीय टीम की शुरुआत आज के दिन में भी काफ़ी शानदार रही। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुँचाया। लेकिन जब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी 73 रनों की, इसके बाद यहां पर टीम इंडिया को आज का पहला झटका चेतेश्वर पुजारा के रूप में लगा। चेतेश्वर पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो आज शिकार बने स्टुटब्रॉड का। स्टुटब्रॉड ने उनको आउट किया। पुजारा ने शानदार 168 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली। पुजारा के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बीच भी एक शानदार साझेदारी हुई। उम्मीद थी कि आज श्रेयस अय्यर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही वो काफ़ी आक्रामक दिखे और उन्होंने 3 शानदार चौके भी आज के मुकाबले में जड़े। लेकिन दोस्तों, जब टीम का स्कोर 190 रन था तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी पेवलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर ने आज के मुकाबले में 26 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली और उनको शानदार कैच के जरिए जेम्स एंडरसन ने कैच किया और मैटी पोट्स ने उन्हें पेवलियन की राह दिखाई और टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे और रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत से एक बार फिर उसी प्रकार के कमाल की उम्मीद थी जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों ने किया था। लेकिन दोस्तों, आज के मुकाबले में दोनों बल्लेबाज सिर्फ 8 रनों की ही पार्टनरशिप कर पाए। इस दौरान शानदार अर्धशतक जरूर पूरा किया ऋषभ पंत ने, शानदार बल्लेबाजी दिखाई आज भी और 86 गेंदों पर शानदार 57 रन बनाए। लेकिन टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में, जब वो 57 रन बनाकर जैक लीच का शिकार बने। ऋषभ पंत आउट हुए तो टीम इंडिया का स्कोर था 198 रन। लेकिन दोस्तों, यहां से टीम इंडिया थोड़ी मुश्किलों में जरूर नज़र आ रही थी, कि क्योंकि अब अगर टीम इंडिया ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाती तो मुश्किलों में फंस सकती थी, क्योंकि ऋषभ पंत को जैक लीच ने फंसा लिया था। हालांकि पहली पारी में जिस तरीके से इनका सामना ऋषभ पंत ने किया था, वैसा कुछ दूसरी पारी में नहीं कर पाए और यहाँ पर एक बड़ा झटका टीम इंडिया को ऋषभ पंत के रूप में लगा। लेकिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आए। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस दौरान शार्दुल ठाकुर 26 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बना पाए और वो भी पोट्स का शिकार बने और टीम इंडिया को एक और झटका लगा शार्दुल ठाकुर के रूप में और भारतीय टीम ने अब गंवा दिए थे अपने 7 विकेट 207 रनों पर। इसके बाद क्रीज पर मोहम्मद शमी उतरे। मोहम्मद शमी ने भी यहां पर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शानदार 23 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार इस पार्टनरशिप ने लंच तक का स्कोर खड़ा कर दिया, यानी कि लंच तक भारतीय टीम ने और कोई ने विकेट नहीं गंवाया। शार्दुल ठाकुर के रूप में ही आखिरी विकेट गिरा था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर लंच के बाद टीम इंडिया ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और शुरुआत में ही एक और विकेट टीम इंडिया ने गंवा दिया और यहाँ पर आउट हुए मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी आज के मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको पेवलियन की राह दिखाई बेन स्टोक्स ने। 14 गेंदों पर 13 रन बनाए मोहम्मद शमी ने। तो इसके बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन उस प्रकार से आज बल्लेबाजी नहीं हो पाई और 9वें विकेट के लिए सिर्फ 6 ही रन टीम इंडिया के बल्लेबाज जोड़ पाए और रविंद्र जडेजा को बेन स्टोक्स ने बोल्ड करके टीम इंडिया को एक और सबसे बड़ा झटका दिया। रविंद्र जडेजा 58 गेंदों पर 23 रन बना पाए और इसके बाद अंत में जसप्रीत बुमराह भी सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए और इसके साथ वो भी आउट हो गए और पूरी टीम इंडिया की पारी 245 रनों पर सिमट गई। लेकिन दोस्तों, इन 245 रनों के साथ टीम इंडिया की बढ़त जो हो चुकी थी वो 378 रनों की हो चुकी है। अब इंग्लैंड के सामने 378 रनों का टारगेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड की टीम जीत पाएगी इस मुकाबले को? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।